वन से लेकर फाइव तक हमारा जो है सेम क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे वैसे सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें हमारा क्या दिया है कि कॉस एक्स की वैल्यू दी है हमारा -1/2, और दिया है कि एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 धनात्मक मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण वही होता है जो हमारा कोण इसमें दिया रहता है एक्स। ये एक्स हो गया, एक्स के सामने वाला हमारा कोण, एक कोण एक्स के सामने वाली भुजा लंब हो गई और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हमारा हो गया आधार। अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कॉस थीटा हम लोग जो साइन कॉस इसकी वैल्यू हम लोग लाल काका इससे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस एक्स हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो गया 1, और कर्ण हमारा कितना हो गया 2, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तीसरा जो है साइड निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग हमारा हो जाएगा एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, यानी हमारा 2 का वर्ग इक्वल टू 1 का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। तो ये 4 और एक इधर आ गया 3, यानी बीसी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 3। यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए तो बीसी बराबर हमारा कितना आ गया अंडर रूट 3। तो ये लंब हमारा कितना हो गया अंडर रूट 3, तीसरी भुजा हमको पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स हमारा कोण दिया रहेगा कि कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स हमारा क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हम लोग जानते हैं पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन, चौथे में कॉस। आल साइन टैन कॉस, इसी हिसाब से पहले में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है। टैन तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, चौथे में कास पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होंगे। यहाँ टैन को छोड़ के और काट को बाकी नेगेटिव होंगे, यहाँ कास और सेक को छोड़ के बाकी नेगेटिव होंगे। तो ये हम लोग आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस ऐसे याद रखते हैं कि ऑल साइन टैन कॉस। ऑल साइन टेन कॉस। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने हैं, बहुत आसान से निकल गया हमको, समकोण त्रिभुज की सब भुजाएं पता है हमको। तो साइन थीटा जो साइन एक्स हमारा हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन एक्स हमारा हो जाएगा, लंब हमारा कितना है √3 और कर्ण हमारा है 2, तो √3/2। अब प्लस और माइनस चिन्ह साइन का हम लोग किससे देखेंगे, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में हमारा टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। साइन पता चल गया हमको। टैन एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लें, टैन थीटा हमारा क्या हो गया लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है √3, आधार हमारा कितना है 1, और चिन्ह हम लोग देखे तीसरे चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव होगा तो टैन पॉजिटिव हो गया। कॉट एक्स हमारा क्या हो गया, टेन का उल्टा √3/1 का उल्टा 1/√3 कॉट। सेक हमारा क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस हमारा -1/2 है तो ये -2/1 यानी -2 हो गया। कोसेक हमारा क्या होता है,
साइन का उल्टा साइन माइनस रूट थ्री बाई टू, तो ये माइनस टू बाई रूट थ्री। ये सिंपल सा तरीका होता है हम लोगों का, जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे और अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना रहे, तो जो प्लस दिया है कि माइनस दिया है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस मान के समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दो भुजाएं, ये जो है जो वैल्यू दिया है उस हिसाब से दो भुजा लिख लेते हैं, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, और फिर साइन कॉस टेन लाल बट्टा काका से हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस, आल साइन टेन कॉस से हम लोग वैल्यू जो है प्लस या माइनस डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही किए जाएंगे। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है आपकी बुक का एनसीईआरटी, साइन एक्स इक्वल टू दिया है 3/5, ठीक है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमको ज्ञात करने हैं। फिर हमारा वही सिंपल तरीका, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज कंस्ट्रक्ट कर लिए, जिसका ये कोण हमारा एक्स हो गया, और साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो चलिए लिख देते हैं, साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो एक्स के सामने वाला हमारा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये हमारा आधार हो गया। लंब बटा कर्ण यानी लंब हमारा कितना हो गया 3, कर्ण हो गया हमारा 5। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हमारा कर्ण कितना है, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, तो ए बी स्क्वायर 25 माइनस 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए कितना हो गया 16, अंडर रूट ले लिए तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 4, यानी हमारा आधार कितना आ गया 4। अब बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग फटाफट लिख लेंगे। साइन तो दिया ही है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार हमारा कितना है 4, कर्ण हमारा कितना है 5, और एक्स हमारा क्या है तीसरे चतुर्थांश में, तो ये हम लोग चिन्ह जो है डिसाइड कर लेते हैं। एक्स हमारा क्या है तीसरे चतुर्थांश में, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, आल साइन टेन कॉस, तो टेन पॉजिटिव होगा, तो एक्स जो है सॉरी ये दूसरे चतुर्थांश में है, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है, तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा दूसरे चतुर्थांश में, ये है हमारा एक्स, एक्स हमारा यहाँ पे है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन की वैल्यू तो दी है, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। टेन एक्स हमारा क्या होता है, टेन एक्स हमारा होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 3, आधार हमारा कितना है 4, और दूसरे में है, तो हमारा दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो गए, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। साइन कॉस टेन कॉट एक्स हमारा जब टेन निकाल ले तो -3/4 का उल्टा -4/3 कॉट हो गया। सेक एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा, तो कॉस एक्स -4/5, तो ये -5/4। कोसेक एक्स हमारा हो गया साइन का उल्टा, साइन एक्स 3/5, तो ये हो गया हमारा 5/3। तो ये सिंपल सा तरीका हम लोगों का है, जो तुरंत ही हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका,
तीसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, कॉट एक्स की वैल्यू दी है 3/4 और एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, एक्स हमारा जो है ये तृतीय चतुर्थांश में है और बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान निकालना है। तो हमारा फिर वही तरीका, कॉट एक्स बराबर 3/4 दिया है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण तो 90 होगा ही, एक कोण हमारा क्या हो गया एक्स हो गया, ये ए बी सी हम लोग नाम दिए। कॉट एक्स बराबर हमको दिया है कॉट एक्स बराबर 3/4 और कॉट एक्स हमारा क्या होता है लाल काका साइन कॉस टेन कॉट कॉट आधार बटा लंब, तो कॉट एक्स हमारा क्या होता है आधार बटा लंब और आधार बटा लंब हमारा क्या है 3/4, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, तो आधार बटा लंब आधार हमारा कितना हो गया 3 हो गया और लंब हमारा 4 हो गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग हो जाए जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से जो ए सी का वर्ग हमारा हो जाएगा बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यहाँ से हमारा ए सी का वर्ग हो जाएगा ए बी हमारा कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 25 हो गया, यहाँ से हमको पता चल गया ए सी बराबर क्या आ गया 5 25, दोनों तरफ अंडर रूट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। बस अब हम लोग क्या करेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और चिन्ह किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है तो हमारा एक्स जो है हमारा कहाँ पे है तृतीय चतुर्थांश में है और आल साइन टैन कॉस, तो ये टैन पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो अब हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा हमारा जो हो जाएगा साइन एक्स, साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 4, कर्ण हमारा कितना है 5 और तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट छोड़ के बाकी नेगेटिव, तो साइन हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा हमारा क्या होता है कॉस एक्स आधार बटा कर्ण, आधार हमारा 3 है कर्ण 5 है और ये भी क्या होगा नेगेटिव क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टैन एक्स हमारा क्या होता है लंब बटा आधार, टैन एक्स हमारा क्या होगा लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 4, आधार कितना है 3 4/3, ये पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टैन कॉट दिया ही था, सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा -3/5 का उल्टा -5/3, कोसेक हमारा क्या हो जाता है साइन का उल्टा -4/5 का उल्टा -5/4। ये सिंपल सा तरीका है, एक क्वेश्चन अगर आप कर लिए बाकी कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। चलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ आपका दिया है सेक एक्स इक्वल टू 13/5 और एक्स, एक्स हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो मतलब चौथे चतुर्थांश में है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हमारा। तो सेक एक्स जो है हमारा क्या है 13/5 समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ये कोण एक्स, एक्स के सामने वाली भुजा लंब, ये 90, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हमारा आधार लाल काका से हमारा जो है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, काट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो सेक हमारा कर्ण बटा आधार, तो सेक एक्स हमारा क्या होता है कर्ण बटा
आधार काश का उल्टा होता है। कर्ण बटा आधार बराबर 13/5 है हमारा। कर्ण बटा आधार बराबर क्या है? 13/5 है, तो इसका मतलब कर्ण हमारा कितना हो गया? 13, और आधार कितना हो गया? 5। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी में हम लोग अब क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी भुजा निकालने के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग, चलिए लिख देते हैं ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी हमारा है 5 का, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस बी सी का वर्ग 169 और -25 बराबर बी सी स्क्वायर। यहाँ से हमको बी सी स्क्वायर बराबर 144 हो गया, तो बी सी बराबर हमारा आ गया 12, यानी जो लंब हमारा है ये कितना आ गया? 12। और एक्स हमारा क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स हमारा जो है कोण, ये चौथे चतुर्थांश में है, तो उस हिसाब से हमारा चिन्ह डिसाइड होगा। ये यहाँ पे हमारा तो आल साइन टेन कॉस, तो हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग फटाफट निकालते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? 12। कर्ण हमारा कितना है? 13। इसका चिन्ह क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस कॉस पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा? बाकी कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो गया। कॉस एक्स हम लोग निकालें, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार आधार हमारा क्या है? 5, और कर्ण हमारा क्या है? 13, तो कॉस तो पॉजिटिव होगा क्योंकि चौथे चतुर्थांश में है, साइन कॉस हो गया। टेन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है? 12। आधार है 5, और कास को कास और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो टेन भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेन सेक एक्स हमारा दिया ही है 13/5, उसी को लेके चल रहे हैं। एक हमारा और बचा कोसेक, कोसेक एक्स हमारा साइन एक्स का उल्टा हो जाएगा -13/12। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, ये भी कर लेते हैं, हमारा ये खत्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम जो है हमेशा के लिए क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि टेन एक्स बराबर दिया है -5/12, और एक्स बता रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो और अन्य सब त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू हमको निकालनी है। टेन एक्स जो है हमारा दिया है -5/12, तो हम लोग क्या करते हैं? जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है उसको हम लोग चिन्ह हटा देते हैं, चिन्ह से हमको मतलब नहीं रहता है, हम लोग प्लस मान लेते हैं और फिर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बनाया, ये कोण एक्स, ये 90, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, एक्स के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया हमारा आधार। और टेन थीटा हमारा लाल काका से क्या होता है? टेन थीटा लंब बटा आधार, तो टेन एक्स बराबर लंब बटा आधार, तो ये हमारा है कितना? 5/12, तो लंब हमारा कितना हो गया? 5 हो गया, और आधार कितना हो गया हमारा? 12। ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तीसरी भुजा निकालने के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी, और ए सी का वर्ग बराबर हमारा हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर हो गया हमारा 144 प्लस 25, ए सी स्क्वायर बराबर 169, और 169 का वर्गमूल हमारा होता है 13, तो ये हमारा कर्ण कितना आ गया? 13।
एक्स हमारा कहाँ पे है, दूसरे चतुर्थांश में है, एक्स हमारा दूसरे में, तो आल साइन यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन एक्स साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है 5, कर्ण हमारा कितना है 13। चिन्ह हम लोग देखते हैं, साइन पॉजिटिव, बात खत्म। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है 12, कर्ण है 13। और साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस हो गया। टेन एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है 5, आधार 12, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये टेन नेगेटिव, साइन कॉस टेन। कॉट एक्स हमारा टेन का उल्टा होता है, तो -12/5 हो गया। टेन तो दिया ही था, हमको निकालना थोड़ी था, टेन तो दिया ही था। कॉट हमारा हो गया -12/5, और सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो -13/12 हो गया। कोसेक हमारा साइन का उल्टा, तो 13/5। तो ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, बस आपको जो है क्या करना है कि जो वैल्यू दिया है उसको धनात्मक मान के समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं निकाल लेंगे, जो कौन सा अनुपात है और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से और किस कोऑर्डिनेट में है, बस आपको यही याद रखना है, आल साइन टेन कॉस, आल साइन इसमें टेन कॉस फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से, चतुर्थ चतुर्थांश। और ये भी ध्यान रखिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जहाँ साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ टेन पॉजिटिव है वहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कास जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये बेसिक बात है, ये तो सबको पता रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका।